हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर टुडे वी आर लर्निंग वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम योर फिफ्थ मैथमेटिक्स एन सी एंड टुडे इज आवर थर्ड लेक्चर तो अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन के टू मेथड्स यहाँ पर लर्न किए थे तो so, उनमें से फर्स्ट फर्स्ट मेथड क्या थी फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड टू बी मल्टीप्लाई थर्टी सेवन बाय फोर्टी टू तो यहाँ पर हम क्या करते थे फोर्टी टू को हम यहाँ पर फोर्टी प्लस टू ऐसे लिख सकते हैं करेक्ट सो दैट्स फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय टू सो थर्टी सेवन मल्टीप्लाई पर हम लिखते थे देन आफ्टर दैट हम पर करते हैं और इसका आंसर पर लिखते हैं एंड इन दोनों के एडिशन करके जो भी आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है ओके okay? तो ये हमने जो मेथड थी यहाँ पर लर्न की थी ओके okay? तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट देखिए फार्मर्स इन विदर्भ महाराष्ट्र अभी विदर्भ इज फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम देर वॉज नो रेन एंड क्रॉप फेल मेनी फार्मर्स वेर अनहैप्पी सम फार्मर्स इवन एंडेड देयर ओन लाइफ अ न्यूज पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक टू द पीपल ही रोड दीज टू रिपेट्स रिपोर्ट्स यहाँ पर उसने लिखे है देखे? मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र में विदर्भ करके एक यहाँ पर एरिया है वहां पर बहुत सारे फार्मर्स है बड़ी जो विदर्भ है वहाँ पर रेन जो है यहाँ पर कम आ, मतलब जो मात्रा में आती है मतलब वहाँ पर रेन जो आती है वो वेरी लिटिल बिट होती है ओके तो इसके वजह से वहाँ पर क्रॉप्स भी नहीं आ जाते तो उनके जो फार्मर्स है वहाँ के जो फार्मर्स है वो इसलिए अनहैप्पी है क्योंकि अगर रेन नहीं होगी तो उसके क्रॉप्स नहीं आ जाएंगे ओके okay? क्रॉप्स नहीं आ जाएगा तो फार्मर का इनकम कैसे होगा ओके okay? तो इसलिए सभी फार्मर्स क्या है अनहैप्पी है तो so, एक रिपोर्टर है वो वहां पर गया और उसने उस जगह के जो पीपल से उनसे बात की देन आफ्टर दैट उसने कुछ रिपोर्ट्स लिखे हैं तो आइए देखते हैं अभी जो रिपोर्ट्स लिखे हैं तो उनमें से फर्स्ट वन यहां पर देखिए सतीश स्टोरी सतीश इज ए थर्टीन ईयर ओल्ड बॉय सतीश जो है यहाँ पर थर्टीन ईयर साल का लड़का है फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग ओके उसके जो पिताजी है उसने उन्होंने यहाँ पर लोन लिया है फार्म फार्मिंग के लिए ओके okay? लोन क्या कौन से होती है ऑलरेडी पता होगा ओके okay? मतलब एक फॉर एग्जाम्पल बैंक से कुछ अमाउंट हम लेते हैं एज अ लोन ओके देन आफ्टर दैट हम उसे विथ सम इंटरेस्ट हम बैंक को एक पर्टिकुलर टाइम में हम उसे लौटाते हैं ओके तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया क्या किया यहाँ पर एक लोन लिया है बट द क्रॉप्स फेल्ड जो क्रॉप्स उन्होंने लगाए थे वो क्या हो गए फेल हो गए अभी नाउ सतीश मदर हैज टू पे फाइव थाउजेंड एवरी मंथ फॉर द लोन ओके जो सतीश के माँ है वो यहाँ पर फाइव थाउजेंड एवरी मंथ उन्हों उनको यहाँ पर लोन के लिए जो उन्होंने अमाउंट ली थी उसके बदले उन्हें फाइव थाउजेंड एवरी मंथ यहाँ पर पे करने है टू द बैंक ओके सो आफ्टर दैट सतीश स्टार्टेड वर्किंग ही लुक आफ्टर ऑफ़ द विलेज ओके सतीश ने वर्क करना स्टार्ट किया सो ही अर्न रूपी डे फॉर वन, वन गोट ओके okay? मतलब जो सतीश है उसे वन रूपीज मिला फॉर वन गोट के लिए एंड एवरी डे सो हाउ मच विल ही अर्न इन वन मंथ ओके वन मंथ में ये कितना अर्न करेगा हमें यहाँ पर बताना है थर्टी डेज है उसे हम चलते हैं, है. Days है उसने यहाँ पर सेवनटीन लिया है तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर सेवेंटीन गोड्स के लिए वन रुपीज के लिए एक है, मतलब पर हो जाएंगे सो वॉट वी डू थर्टी मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे करेक्ट सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है सेवन से तो थर्टी मल्टीप्लाई बाय सेवन इसका आंसर क्या हो जाएगा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन वन सो टू जीरो एंड आफ्टर दैट थर्टी मल्टीप्लाई बाय टेन एंड वी गेट थ्री हंड्रेड एडिशन करिए जीरो वन फाइव एंड वी गेट फाइव टेन फाइव हंड्रेड टेन रुपीज यहाँ पर आ जाएगा जो सतीश तो यहां पर मिल रहे हैं अगेंस्ट दैट गोट ओके तो यहां पर आ जाएगा आंसर फाइव टेन रुपीज फाइव हंड्रेड एंड टेन रुपीज सो डी अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ ओके तो यहां पर ये इनफ है क्या मनी नहीं सतीश मदर हैड टू पे फाइव थाउजेंड एवरी मंथ फॉर द लोन बट द अर्निंग ऑफ सतीश विल नॉट हेल्प पे द लोन एवरी मंथ ओके यहां पर हेल्प नहीं करेगी सो हाउ मच विल ही अर्न इन वन ईयर ओके यहाँ पर उसे वन ईयर में कितना मिलेगा कैसे फाइंड आउट करना है देखिए अगर उसकी इनकम जो है हर मंथ के लिए फाइव हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ है तो वन ईयर के लिए कितनी होगी कैसे कैलकुलेट करना है तो वन ईयर में ट्वेल्व मंथ होते हैं सो फाइव टेन मल्टीप्लाई हम यहाँ पर ट्वेल्व से करेंगे तो हमें यहाँ पर उसकी ईयरली सैलरी पता चल जाएगी ठीक है तो देखिए क्या करना है सबसे पहले फाइव टेन मल्टीप्लाई बाय टू एंड फाइव टेन मल्टीप्लाई बाय टेन तो पर देखिए क्या हो जाएगा कैलकुलेशन? सो फाइव टेन मल्टीप्लाई टू फाइव फाइव मतलब थाउजेंड एंड ट्वेंटी करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं टू से तो हमें यहाँ पर वन जीरो पर मिल जाएगा देन आफ्टर दैट फाइव वन जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन क्या होगा करेट्स डबल जीरो जीरो टू

to help farmers the state government gave cows kamla bai gundhe also got a cow okay? the cost of the cow was 17500 she had to pay 5500 एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी ओके गवर्नमेंट जो है जो रिमेनिंग अमाउंट हैवर्नमेंट पे करेगा सो हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन वन काउ ओके यहाँ पर जो काउ है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है हम यहाँ पर कैलकुलेट करना कैसे करेंगे देखिये सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करना है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो जीरो 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 सेवन माइनस फाइव यहाँ पर टू हो जाएगा वन मतलब ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज गवर्नमेंट पे कर रही है ओके सो इफ नाइन पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउस हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल ओके उसमें सभी में कितना पे करेगी सो so अगर एक में अगर गवर्नमेंट जो है ट्वेल्व थाउजेंड पे कर रही है तो नाइन के लिए कितना होगा तो मल्टीप्लाई बाय नाइन करिए तो जीरो 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 नाइन टू ज एटीन एट आ गया वन कैरी फॉरवर्ड नाइन जीरो पर टेन आ जाएगा देखिए पर अमाउंट कितनी हो गई सो so, यहाँ पर हो गई थाउजेंड रुपीज ओके यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है वन लैख एट थाउजेंड रुपीज बट कमलाई वॉज नॉट हैप्पी जो कमला बाई है अभी हैप्पी नहीं है क्यों शी है जो काउ है उसके लिए उसे पर डे एटी फाइव रुपीज पे करने पड़ रहे हैं शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क बट स्टिल शी वॉन्टेड टू सेल द काउ फिर भी वो काउ सेल करना यहाँ पर चाह रही है इफ कमलाई स्पेंड एटी फाइव रुपीज पर डे फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन वन मंथ ओके वन मंथ के लिए इसे कितना यहाँ पर पे करने वाली है हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए अगर कर हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि वन मंथ के लिए यहाँ पर थर्टी डेज है सो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय थर्टी करेंगे करेक्ट तो देखिए फाइव थ्री झा क्या होगा फिफ्टीन वन कैरी फॉरवर्ड एट थ्री फोर यहां पर ट्वेंटी फाइव एंड जीरो इसका मतलब टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी यहाँ पर वन मिन के लिए यहाँ पर जो कमला बाई है उस काउ के लिए स्पेंड कर रही है द काउ गिव्स एट लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे जो काउ है यहाँ पर एट लीटर दूध दे रही है एवरी डे हाउ मच विल इट गिव इन के लिए कितना मिल्क देगी हमें बताना है सो एट लीटर थर्टी डेगी तो मल्टीप्लाई बाई एट करिए इसे थर्टी मल्टीप्लाई बाई एट तो जीरो आ जाएगा एट थ्री जवेंटी फोर सो वी गेट टू फोर्टी लीटर्स तो यहाँ पर टोटल मंथली कितना हो गया टू फोर्टी लीटर्स यहाँ पर आ गया सो हे द काउ टू फोर्टी लीटर्स ऑफ मिल्क इन मंथ सो इफ द मिल्क इज सोल्ड एट रुपीज नाइन पर लीटर अगर जो मिल्क है नाइन पर लीटर पे बेच रहा है सो हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन वन मंथ ओके तो वन मंथ के लिए कमला बाई कितना यहाँ पर कमा रही है हमें बताना है तो यहाँ पर टू फोर्टी टोटल लीटर्स में था हमारे पास वन मंथ का जो मिल्क है उस काउ का तो मल्टीप्लाई करिए नाइन से एंड वी गेट द अमाउंट ओके तो यहाँ पर देखिए नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइन जीरो पर आ जाएगा नाइन फोर जा यहाँ पर क्या होगा इट हो, पर पर okay? so, पर पर आ आ जाएगा जाएगा ओके ओके आपको क्या करना है one liter of milk के लिए यहाँ पर कितना पे किया है आपको ये भी पर बताना देखिए पर uh, जो ओके uh, okay? आप आपके घर पे आप वन लीटर के लिए कितना पे करते हो आपको वो आइडेंटिफाई करना है आपके पेरेंट्स को पूछना है ठीक है so, सो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 2160 सो द मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काउ वाज रुपईज हाउ मच अरे हमने इसे फाइंड आउट किया था वो कितना था 2550 ओके सो यहां पर हम लिखते हैं 2550 सो so, 2550 सो मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क इज रुपईज 2160 व्हिच इज मोर ओके को पर कौन सा मनी मोर है यहां पर जो काउ के लिए स्पेंड किया है वो यहां पर सबसे ज्यादा है सो मनी स्पेंड ऑन द काउ इज मोर देन एज ओके सो पर कितना ज्यादा है तो यहां पर हम टू फाइव फाइव जीरो माइनस टू वन सिक्स जीरो पर, 0, 15 यहाँ पर आ जाएगा जीरो फिफ्टीन माइनस इज क्या होगा करेक्ट यहां पर नाइन आ जाएगा फोर यहां पर आ गया फोर माइनस वन आता है थ्री सो थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी रुपीज यहां पर ज्यादा जो भाई है यहां पर स्पेंड कर रही है ओके सो एक्सप्लेन वाई शी वॉन्टेड टू सेल द काउ यहाँ पर हमें वो क्यों यहाँ पर सेल करनी चाह रही है हमें यहां पर बताना है सो शी वॉन्टेड टू सेल द काउ बिकॉज शी हैड टू स्पेंड मोर मनी ऑन द cow comparatively बाय अर्निंग ओके उसकी जो अर्निंग है उसके comparatively वो यहाँ पर ज्यादा स्पेंड कर रही है ओके सो बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ cow यहाँ पर उसे कम अमाउंट मिल रही है आई समझ में? Yes. तो so स्टूडेंट्स आज हमने टू रिपोर्ट्स की स्टोरी यहां पर देखी ओके okay? उसमें हमने कुछ मल्टीप्लीकेशन की टेक्सनिक देखी एप्लीकेशन देखिए मैथ जो है कई जगह पर यूज किया जाता है अभी हमने जो अभी एक्टिविटीज देखी देखिए यहाँ पर जो भी हमने सिचुएशन देखी ये क्या था यहाँ पर डेली लाइफ की ये सिचुएशन थी वहाँ पर भी मैथ कहाँ पर यूज हो जाता है आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा ओके okay, इन स्टोरी से यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन की भी कंसेप्ट यहाँ पर यूज की थी ओके okay, तो आई आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू